हमेशा की तरह इस साल भी दिल्ली वालों ने नियम कानून को दरकिनार करते हुए जमकर आतिशबाजी की। हालांकि इस बार आतिशबाजी के खिलाफ चलाए गए अभियान का थोड़ा असर भी देखने को मिला है। दिवाली पर इस साल जमकर आतिशबाजी हुई, लेकिन इसके खिलाफ चलाए गए अभियान का असर भी देखने को मिला है। पिछले 4 साल के मुकाबले इस बार दिल्ली में दिवाली पर पॉल्यूशन घटा है। सफर के मुताबिक इस साल 28 अक्टूबर यानी दिवाली के अगले दिन दिल्ली में AQI 368 अंक रिकॉर्ड किया गया, जो कि 4 साल में सबसे कम है। 2016 में यह आंकड़ा 445 अंक रिकॉर्ड हुआ था, 2017 में इसका स्तर 403 था, 2018 में थोड़ी कमी आई, लेकिन फिर भी दिवाली के अगले दिन AQI 390 रिकॉर्ड किया गया था। मगर इस साल दिवाली के अगले दिन AQI 368 रिकॉर्ड किया गया, यानी साल दर साल दिवाली में आतिशबाजी कम होती जा रही है। इस साल दिल्ली पुलिस ने भी कानून तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ दिवाली के दिन आतिशबाजी से जुड़े 371 मामले दर्ज करके 210 लोगों को गिरफ्तार किया। दिवाली के दिन 3,764 किलोग्राम पटाखे भी जब्त किए गए। वहीं 1 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच आतिशबाजी से जुड़े 386 मामले दर्ज किए गए और 230 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इस दौरान 7100 किलोग्राम पटाखे भी जब्त किए गए। दिल्ली में पटाखा पकड़े जाने के सबसे ज्यादा मामले द्वारका, उत्तर पूर्वी दिल्ली, शाहदरा में मिले हैं। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।